एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स स्वाति हियर। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट रिव्यू करने वाली हूँ और वो प्रोडक्ट है एक लिपस्टिक। इट्स अ लैक्मे 9 to 5 प्राइमर प्लस मैट लिपस्टिक एंड आज मैं इसका रिव्यू करूंगी। ये आपको नायका पे, मैंने नायका से खरीदा था, मैंने अभी अभी इसकी अनबॉक्सिंग की थी नायका के प्रोडक्ट्स की, तो उसमें मैंने ये मंगवाया था। एंड ये आपको purple.com पे मिल जाएगी, ये आपको अमेजन पे मिल जाएगी एंड आपके लोकल स्टोर्स में भी मिल जाएगी। ये न्यू प्रोडक्ट नहीं है, एक साल से आया हुआ है मार्केट में, काफ़ी अच्छा चला था इनका ये प्रोडक्ट एंड अभी भी चल रहा है इनफैक्ट। तो आज मैं इसका रिव्यू करूंगी और मैं इसकी सब कुछ बताऊंगी, प्राइसिंग, शेड्स, ये वो सब कुछ आपको बताऊंगी। मैंने सिर्फ इसकी एक लिपस्टिक खरीदी थी एंड एक और चीज़ मैं आपके सामने इसको फर्स्ट टाइम खोल रही हूँ, लेकिन मैं इस लिपस्टिक को ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी थी। ये मेरी कज़न के पास लिपस्टिक थी एंड ये सेम शेड था उसके पास, मेपल मैप। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, अब मैं आपको अगर इसकी पैकेजिंग की बात करूं तो आप देख सकते हो रोज गोल्ड कलर की इसकी पैकेजिंग है एंड शीन आ रही है उसमें, और इसके ऊपर इन्होंने लिखा है लैक्मे 95 प्राइमर प्लस मैट लिपस्टिक। इसकी प्राइसिंग है 480 रुपीज, लेकिन मुझे 20% डिस्काउंट पे मिल गई थी नायका पे। एंड इसकी अगर मैं वो बात करूँ एक्सपायरी और मैनुफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट की, तो ये इन्होंने लिखा है यूज बिफोर अक्टूबर 2019, दैट्स इट। उन्होंने जस्ट मैन्युफैक्चरिंग में डाली, बस उन्होंने ये डाली हुई है एक्सपायरी डाली हुई, डजंट मैटर। हमें बस इतना जानना है कि हमने कितने टाइम पहले तक इसको यूज़ करना है, कितने टाइम तक हमने इसको यूज़ करना है। एंड इसकी अगर मैं क्वांटिटी की बात करूँ तो 3.6 ग्राम इन्होंने लिखा हुआ है, और लैक्मे वालों ने इस रेंज के एक इन्होंने पहले भी रेंज निकाली थी, लेकिन ये प्राइमर प्लस मैट लिपस्टिक में ये अब क्लेम क्या करते हैं, लैक्मे न्यू मैट लिपस्टिक कम्स विथ अ बिल्ट इन प्राइमर दैट कम्फर्टेबली ग्लाइड्स ऑन टू लिप्स। प्राइमर होता है जब आप अपने फेस के ऊपर लगाते हो कि वो जितने भी आपके पोर्स होते हैं उसको फिलअप करता है, तो इन्होंने ये लिपस्टिक में ये नई चीज़ निकाली है कि आपके लिप्स के अंदर ये जो कईयों के फटे फटे से लिप्स होते हैं, ये उसके अंदर अच्छी तरह से फिल हो जाएगी, वो गंदी तरह वो गंदी सी वो लाइन्स नहीं आपको नजर आएंगी, ग्लाइड करेगी स्मूथली और स्मूथन और कर देगी आपके लिप्स को और प्रेप भी कर देगी आपके लिप्स को। ये लॉन्ग वेयरिंग है, मैट फिनिश देगी आपको लिपस्टिक फॉर कंप्लीट ब्यूटी एक्सपीरियंस। अगर मैं आपको शेड रेंज की बात करूं तो ये इस लैक्मे 9 to 5 में 30 शेड्स उन्होंने लॉन्च किए हैं, लेकिन ज़्यादातर शेड्स रेड एंड पिंक में है, बीच में कुछ कुछ ऑरेंजेस एंड ब्राउन्स डाले हुए हैं। दिस इज द न्यूट्रल ब्राउन सा शेड है एंड आई लव दिस शेड, मैंने पहले भी देखा हुआ है, यूज लगाया हुआ इनफैक्ट। तो अब मैं आपको इसके बाकी अगर इन्होंने इधर एड्रेस वगैरह दिया हुआ है एंड इंग्रेडिएंट्स मुझे कहीं पर नज़र नहीं आ रहे, इंग्रीडियंट्स नहीं लिखे हुए, सो नाउ लेट्स ओपन द लिपस्टिक। आप देख सकते हो ये एक इन्होंने प्लास्टिक चढ़ाया हुआ है एंड वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल लिपस्टिक। इसकी इतनी सुंदर शाइन आ रही है, रोज गोल्ड कलर की इसकी पैकेजिंग, आई कैन सी माई फेस ऑल्सो, आई लव द पैकेजिंग। इसके ऊपर लिखा है लैक्मे 95 प्राइमर प्लस मैट और मेरा शेड है MB14 मेपल मैप, मैंने आपको बताई दिया MB14 मेपल मैप, और यहाँ पे इन्होंने लिखा 3.6 ग्राम, मतलब यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी शेड वगैरह की। बाकी और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि कलर कोडेड है ये लिपस्टिक, तो कलर कोडेड बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट यू हैव टू रीड। अगर आपके पास अगर इसके 10 कलर्स हैं तो आपको 10 के 10 को ऐसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा नीचे से, नथिंग इज कलर कोडेड, या फिर आपको इसको खोल के देखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो लिपस्टिक एंड ट्रैवल फ्रेंडली की बात करूं तो या ये बंद हो जाती है, टक करके आवाज़ आती है, तो आप अपने बैग में इसको लेके जा सकते हो, कहीं ओपन नहीं होने वाली, खुलने नहीं वाली, टूटने नहीं वाली, गिरने नहीं वाली। तो अब मैं आप इसको दिखा दूं आपको, यू गेट दिस मच ऑफ द क्वांटिटी राइट। अब मैं आपको इसकी हैंड स्वैश करके दिखाती हूँ। बस इसमें एक चीज होती है कि जो इसकी ये वाली शेप होती है ना, ये थोड़ी सी लिपस्टिक लगाते समय थोड़ी सी बस ठीक है, जिसको आदत हो जाती है वो ऐसी वाली बुलेट पे भी आराम से लगा ही लेता है। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल शेड है, आई लव द शेड, आई जस्ट लव द शेड। एंड एक और चीज़ है, ये मैट है लेकिन ये बिल्कुल मैट नहीं है, इट्स क्वाइट सम बिटवीन ऑफ द मैट है, बिल्कुल ये क्रीमी सी शाइनी नहीं लगेगी, लेकिन ये बिल्कुल भी मैट फिनिश देगी जैसे लिक्विड लिपस्टिक्स होती हैं, बट ये स्मज करती हैं, आप देख सकते हो ये स्मज करती हैं, ये बहुत बुरी तरह से स्मज करती हैं, लेकिन ये 2 to 3 आवर्स आपके लिप्स के ऊपर रह जाती है, उसके बाद आपको इसको अप्लाई करना पड़ता है।
तो बस इसमें सिर्फ यही चीज़ है, ये इन्होंने जैसे मैट लिखा होता है, यू नो टोटली ये मैट लिपस्टिक तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड इन्होंने जब लिखा होता है कि स्मूथ ग्लाइडली, तो ग्लाइडली तो यार वही लिपस्टिक यू नो स्मूथ करती है जो मैट ना हो। अब मैं आपको अपने यू नो लिप्स के ऊपर लगा के दिखाती हूँ। फिलहाल मेरे लिप्स के ऊपर सिर्फ मैंने लिप बाम लगाई हुई थी, इसको जस्ट हल्का सा है ना रिमूव कर लूँ। ये बहुत पिगमेंटेड है, आप देख सकते हो, अभी जस्ट मैंने इतना कुछ किया भी नहीं है, ये बटर की तरह ये ना आपके लिप्स के ऊपर ग्लाइड कर रही है। ये बहुत अच्छा यू नो समरी शेड है, आप इसको लगा के यू नो गर्मियों में आप लगा सकते हो, क्योंकि रेड और पिंक से यार गर्मियों में नहीं लगते शेड, ऐसे वाले शेड से यू नो गर्मियों में ज्यादा कम्फर्ट देखने में भी अच्छे लगते हैं। देख सकते हो मैंने इसको अपने लिप्स पे लगा लिया एंड ये कितना ब्यूटीफुल सा शेड आया है। तो ये लिपस्टिक मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन सिर्फ एक चीज़ है, ये मैट लिपस्टिक नहीं है, ये प्राइम थोड़ी सी यू नो बट ये बहुत गंदी वाली है ना, वैसी शाइन भी नहीं देती है। जिनके ड्राई लिप्स होते हैं वो इसको आप ज़रूर ट्राई करो, यू विल लव इट। ये बटर की तरह यू नो ग्लाइड कर जाती है आपके लिप्स के ऊपर एंड आई लव दिस शेड। एंड उसमें और भी आपको शेड्स मिल जाएंगे, ब्राउन्स, ऑरेंजेस, रेड, पिंक, तो आप अपने पसंद का शेड चूज कर सकते हो। तो दिस वॉज माई मिनी रिव्यू ऑन दिस प्रोडक्ट। आप इफ यू लाइक माई मिनी रिव्यू तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो। चल दैन, बाय।